एसपी के नेतृत्व में जिले की पाटी थाना एवं नाकलवाड़ी थाना क्षेत्रों में हुए अपराधों पर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी द्वारा खुलासा कर बताया गया है कि पाटे में पत्थर से कुचलकर की गई हत्या और नागलवाड़ी थाना क्षेत्र में बैरियर पर ट्रकों के फर्जी दस्तावेज बना शासन को हानि पहुंचाने वाले 9 लोगों को हिरासत में लिया है। नागलवाड़ी थाना क्षेत्र में बैरियर पर ट्रकों के फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन को हानि पहुंचाने वाले 9 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी पुनित गहलोत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि जिले के पाटी जनपद के पीछे दिन दहाड़े एक व्यक्ति की खून से स्तनी लाश की सूचना पर पुलिस ने 24 घंटों में हत्या के आरोपी मृतक के जीजा को हिरासत में लेकर हत्या का पर्दाफाश किया है। वहीं दूसरी ओर नागलवाड़ी थाना क्षेत्र में 9 लोगों की गैंग को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से एक लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज, प्रिंटर सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। गैंग के लोगों द्वारा जिन ट्रकों के दस्तावेज नहीं होते थे, उनसे संपर्क कर लिस्ट बनाकर उनसे रुपए लेकर उनके नकली दस्तावेज तैयार कर ट्रक बैरियर से पार करवाते थे। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 28 अप्रैल को थाना पाटी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर थाना पाटी की टीम मौके पर पहुंची थी और एसडीओपी बड़वानी भी मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल के निरीक्षण और शव के डेड बॉडी के इंस्पेक्शन से प्रथम दृष्टया लगा था कि एक मर्डर है, जिसको पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया। अगले दिन पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें घटना का जो पुलिस का संदेह था उसकी पुष्टि हुई। विदिन 24 आवर्स पार्टी की टीम के द्वारा एसडीओपी बड़वानी के सतत मार्गदर्शन में काम करते हुए इस हत्या को क्रैक किया है और जो आरोपी है उसको चिन्हित करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। हत्या का जो कारण सामने आया है वो आरोपी जो है मृतक का की बहन की शादी आरोपी से हुई थी और जब से शादी हुई थी तब से जो विवाह के दौरान जो धनराशि वर पक्ष के द्वारा दी जाती है उसको लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद था और विवाद इस हद तक बढ़ा कि मृतक ने अपनी बहन को अपने घर बुला लिया था, लंबे समय से वो उसे वापस नहीं भेज रहा था और इसी विवाद के चलते घटना दिनांक को एक विवाह समारोह में दोनों मिले और मृतक ने काफ़ी शराब का सेवन कर लिया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आरोपी मृतक को एक अलग जगह पर ले गया और पत्थर से उसका सर कुचलते हुए उसका हत्या कर। तो विद इन 24 आवर्स इस मर्डर का खुलासा करने पर जो अधिकारी हैं पुलिस कर्मचारी इसमें शामिल रहे उनको पुरस्कृत किया पर एक संगठित गिरोह को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी प्रदेश स्तर पर माफी अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी सतत मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में एक लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह है 9 से 10 लोगों का जो एक संगठित तरीके से कूटरचित दस्तावेजों को तैयार करता है और जो RTO बैरियर होता है वहाँ से उनको पास करवाया जाता है। कूटरचित दस्तावेजों को पकड़ना इतना प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि उनको बैरियर पर जो चेकिंग टीम है उसके द्वारा नहीं चेक किया जा सकता। इस प्रकार से ये कूटरचना करते हुए दस्तावेजों का निर्माण करके सैकड़ों वाहनों को पास करवाते हैं और लाखों रुपए की राजस्व क्षति पहुँचाते हैं। इस पर एडिशनल SP प्रजापति जी को लेकर टोल अलग अलग टीम बनाए, जिस पर 4 टीमें बड़वानी पुलिस के द्वारा DSP AJK कुंदन और SDOP सेंधवा श्री कमल के मार्गदर्शन में और TI नागलवाड़ी और TI सेंधवा ग्रामीण को लीड करवाते हुए बनवाई थी। इन 4 टीमों ने 48 आवर्स के भीतर पूरे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया और इसके मास्टरमाइंड जो है मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही बाकी के 8 लोग जो थे। कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, इससे मोटा मोटा अभी के एनालिसिस से 20 से 25 लाख रुपए की राजस्व क्षति हमें मिली है। हालांकि जो मोबाइल फ़ोन से उनमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है, तो अभी उनको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा और उनमें जो डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिकवर करने के बाद और भी ज़्यादा इसमें संभावना है कि ये राशि बढ़े। सर, इसमें इन्होंने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है वो करीब 4 से 6 महीने बताया है, लेकिन जो हमें रिकॉर्ड मिले हैं वो कई एक एक साल पुराने भी मिले हैं, तो संभावना ये है कि काफ़ी लंबे समय से ये काम करते आए थे
और जिसके बारे में इनको पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। सर, ये काफ़ी लंबे समय से एक्टिव थे और आपको इसकी जानकारी कब हुई और कितने समय में इनको अपन ने दबोचा है? देखिए, बड़वानी पुलिस को 10 से 15 दिन से ये जानकारी मिली थी। इसको चूँकि ये एक संगठित गिरोह था और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ये वारदात को अंजाम दे रहा था, तो इसकी पूरी स्टडी पहले की गई, टीमों को चिन्हित किया गया, कौन मास्टरमाइंड है उसके बारे में चिन्हित किया गया। उसके बाद जो है बड़वानी पुलिस ने विद इन 48 आवर्स जब टीम बनाई गई तो सभी लोग, हमारा प्रयास ये था कि गैंग का एक भी मेंबर ना बचे, 9 लोगों का गैंग का सभी 9 लोगों को बड़वानी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। सर, पूर्ण की बात है सर? नहीं, उनकी कोई मिली भगत नहीं है। जो सूचना हमें प्रारंभिक तौर पर दी गई वो भी बैरियर के कर्मचारियों के द्वारा ही दी गई है, क्योंकि बेसिकली कूटरचित दस्तावेजों को जितना प्रोफेशनली इन्होंने कूटरचना की है तो उसको प्राइमर से पकड़ना काफ़ी टफ है। तो ये सूचना भी उनके द्वारा ही दी गई थी कि इस प्रकार से राजस्व क्षति पहुंच रही है, जिसको संज्ञान में बड़वानी पुलिस ने लिया और इस पूरे गिरोह को पकड़ा। सामग्री जब्त हुई है जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, 11 मोबाइल फ़ोन और सैकड़ों कूटरचित दस्तावेज जब्त हुए हैं। जो गैंग के द्वारा और गैंग के सरगना के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ हुई है उनमें जो बतलाया गया है उससे ये समझ आता है कि ये गैंग काफ़ी प्रोफेशनल वे में काम कर रही थी। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसे ये बैरियर के डाकू नाम से संचालित कर रहे थे और उसमें हर एक टीम को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जैसे एक टीम जो पहली टीम होती थी वो जितने भी वाहन हैं जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं उनसे संपर्क करके उनकी सूची बनाती थी, फिर उन अधूरे दस्तावेजों को कूट रचना के माध्यम से पूरे करने का काम दूसरी टीम करती थी, तीसरी टीम जो है इन कूटरचित दस्तावेजों को संबंधित वाहन के चालकों को प्रोवाइड करवाती थी, और चौथी टीम जब वो बैरियर से पास हो जाती थी तो मनमाने ढंग से जिससे जितना वसूल कर सकते हैं उतना पैसा ही वसूल कर लेते हैं।